कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवले की चटनी। तो चलिए हम जानते हैं कि इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। एक चम्मच जीरा, एक इंच अदरक का टुकड़ा, नमक स्वाद अनुसार, 10-12 लहसुन की कलियां, 2 लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 5 आंवले जिसे हमने धो करके बीज निकाल करके काट लिया है। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर पैन चढ़ाएंगे, इसे हम गर्म होने देंगे। अब ये गर्म हो चुका है तो इसमें हम लहसुन डालेंगे, लाल मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ सुनहरा कर लेना है। अब ये सुनहरा हो चुका है तो इसे अब हम निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत से बहुत 1 मिनट पकाएं। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, जीरा डालकर इसे भी हम सुनहरा कर लेंगे। तो ये भी सुनहरा हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा देर ना भुने, नहीं तो जल सकता है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता, इसे भी हम 1 मिनट पलट पलट कर भून लेंगे। तो देखिए धनिया पत्ता भी सुनहरा हो चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे। अब गैस हम बंद कर देंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता जिसे हमने सुनहरा कर लिया है, 2 लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, जीरा, सभी को हमने सुनहरा कर लिया था, और इसमें डाल देंगे अदरक और नमक स्वाद अनुसार, और आंवला डाल देंगे, और इसमें हम करीब 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से पीस चुका है। अब चटनी तैयार है, इसे हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं। अब चटनी खाने के लिए तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा, चावल, दाल या किसी अन्य भोजन के साथ भी ले सकते हैं। ये चटनी आपके खाने के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो आप भी अपने घर पर ये चटनी की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।